नमस्कार फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट है कि जिसका नाम है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या फिर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, उसका वीडियो नंबर 6 देखने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, वीडियो नंबर 6 कि जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर, कुछ एग्जांपल के साथ हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरी बात, ये चैप्टर 9 कोऑर्डिनेट कंपाउंड का लास्ट वीडियो दोस्तों। ठीक है, इसके बाद और एक नए चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं दोस्तों हम। ठीक है, और अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 अभी फिनिश हो जाएगा, देन 10, 11 ओके, इतने चैप्टर ऑलरेडी फिनिश, इवन 13 ऑल्सो एमाइन कंपाउंड वो भी अभी हमने लास्ट में ख़त्म किया। पॉलीमर तो फिनिश कर चुके हैं पर वो पूरा डिलीट है इस साल कोविड की वजह से। ठीक है, बाकी वो भी चैप्टर हमारा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। तो दोस्तों ये बात करने वाले हैं आज हम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो उसमें हम अगर बात करें एक एक करके बात करेंगे दोस्तों, तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट अगर हम करें तो उनकी मैग्नेटिक मोमेंट को हम कंसिडर काउंटिंग कर सकते। द रिजल्ट्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर्स एडोप्टेड बाय द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इनका जो रिजल्ट है ओके, उससे हमें मेटल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है वो पूरा ओवरऑल आइडिया आने वाला है। क्रिटिकल स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक डेटा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मेटल्स द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रिवेल सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले फॉर मेटल आयन्स विथ अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल्स, जैसे कि Ti+3 D1 है उसमें, V+3 यानी कि Vn+3 आयन जो है उसमें D में 2 इलेक्ट्रॉन है, Cr+3 आयन के अंदर D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है ओके, एंड 2 वैकेंट D ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर द ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन विथ 4s एंड 4p ऑर्बिटल्स। तो दोस्तों ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो हमने अभी बात की। नाउ the magnetic behavior of these free ions and their coordination entity is similar. When more than 3 3d electrons are present, then the required pair of 3d orbitals for octahedral hybridization is not directly available. ओके, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ किसका रूल है, हुन्स रूल। देन दस फॉर D4 जिसमें 2 आयन से हमारे पास Cr+2 एंड Mn+3, D5 के लिए हमारे पास 2 आयन है Mn+2 एंड Fe+3, देन D6 के लिए हमारे पास 2 आयन है Fe+2 एंड Co+3 ओके, इन ऑल दिस केसेस अ वैकेंट पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल्स रिजल्ट ओनली बाय पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स विच लीव्स टू
1 and 0 unpaired electron respectively. Okay. Now, the magnetic data agree with the maximum spin pairing in many cases, especially with the coordination compounds containing D6 ions. Okay, कौन से है D6 ions? जैसे कि however, with species containing D4 and D5 ions, there are few complications. Okay, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास example है MnCn6, okay, -3 ion. Has magnetic moment, इसका magnetic moment क्या है? Of 2 unpaired electron. कितने हैं electron? Unpaired. 2 unpaired electrons. Okay. While in case of MnCl6 3- has paramagnetic moment. ओके और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 अनपेड अनपेड हो तो पैरामैग्नेटिक और पेड हो ठीक है तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक ओके इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है FeCn6 3- ओके हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो नेचर कैसा होगा पैरामैग्नेटिक यहां पे भी अनपेड है इसलिए पैरामैग्नेटिक ओके इसके बाद FeF6 3- ओके तो हैज पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 5 अनपेड ओके एंड नेचर कैसा है पैरामैग्नेटिक ये भी पैरा है और ये भी पैरामैग्नेटिक सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ओके वेरेज CoF6 3- जो है हमारा ठीक है इज अ पैरामैग्नेटिक विथ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन नेचर वंस अगेन पैरामैग्नेटिक कैसा पैरामैग्नेटिक ओके नाउ सॉरी इन केस ऑफ CO C2O4 3 3- इज अ डायमैग्नेटिक पेड इलेक्ट्रॉन होंगे सबके सब इसलिए ठीक है नाउ दिस अपेरेंट एनामोली इज एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी दैट इज VBT इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये इनर ऑर्बिटल की बात हमारी हो गई है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तब इनर ऑर्बिटल होता है और आउटर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन एंटिटी में sp3 d2 डी पहले आए तो इनर ऑर्बिटल बोलते हैं डी बाद में आए तो आउटर ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम बोलते हैं नाउ MnCn6 3- then FeCn6 3- and CoC2O4 3- ओके आर ये तीनों के तीनों जो आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे है इनर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्सेस, कौन से है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. वेयर एज MnCl 6-3 माइनस, FeF 6-3 माइनस एंड CoF 6-3 माइनस. ओके, ये जो है ओके इसके अंदर आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. कैसे है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो है उसके अंदर दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? d2 sp3. ओके, वेर एज इन केस ऑफ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो है ठीक है उसके अंदर sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है. कौन सा? sp3 d2. ओके, एंड इसका जो नेचर है वो कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक. ओके, जिसके अंदर इसमें MnCl4-3 जो है उसमें 4 अनपेड ठीक है, FeF6-3 उसके अंदर 5 अनपेड, वेरस CoF6-3 जो है ठीक है उसके अंदर 4 अनपेड ठीक है. और ये तो डायमैग्नेटिक नेचर है. कैसा? डायमैग्नेटिक. ओके, नाउ लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी. सबसे पहले व्हाइल द वैलेंस बॉन्ड थियरी यानी कि VBT जो है टू अ लार्जर एक्सटेंट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तीन चीजें, फॉर्मेशन बताता है, स्ट्रक्चर भी बताएगा और उनकी मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो भी हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है वो अच्छी तरीके से समझा रहा है. इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग शॉर्ट कॉमिंग्स यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स है. क्या है वो एक एक करके हम देखेंगे. तो सबसे पहले इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ एजम्पशंस यानी कि ये पूरा किसके ऊपर चलता है? एजम्पशंस के ऊपर चलता है. ओके, उसके बाद सेकेंड वन, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डेटा. जो भी मैग्नेटिक डेटा हमें मिल रहा है उसका कोई क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन हम VBT थियरी से कर नहीं पाते. ओके, उसके बाद तो वंस अगेन वन नंबर, इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ एजम्पशंस, एजम्पशन पे चल रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा नहीं दे रहा है मैग्नेटिक का ठीक है. उसके बाद थर्ड वन, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो मेजोरिटी कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ठीक है. ये चीज भी VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी समझा नहीं पा रही है. ओके, इसके बाद फोर्थ वन, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. उसके बारे में भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है. किसके बारे में? क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक एज वेल एज द काइनेटिक स्टेबिलिटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो होता है उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं दे पा रही. ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव फिफ्थ नंबर, इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस. क्या? डज नॉट मेक एनी एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर्स ऑफ फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस. फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जिसका रहता है उसके बारे में दो से पे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर, तो उसके बारे में कोई क्लियर आउटकम नहीं है. उसके बारे में भी जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है वो अच्छे से नहीं समझा पा रही है, तो वो भी हमें उसकी लिमिटेशन में कंसिडर कर लेना है. ओके, देन एट द लास्ट, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड. कौन सा वीक लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है? ओके, ये दोनों के बीच यानी कि वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है. ठीक है, सो दैट्स ऑल दोस्तों, आज हम यहाँ तक रख रहे. कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट कर सकते हो.
ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट कंपाउंड, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो आज मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। इसमें पूरे चैप्टर में कहीं पे भी डाउट हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें अगर आपको ज्वाइन होना हो तो आप ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।